शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज दोस्तों की संख्या कम हो रही है, लोग अकेले होते चले जा रहे हैं, तो इस अकेलापन का साइड इफेक्ट क्या है। कुछ लोग या कुछ देशों में अकेलापन को महामारी कहा जाने लगा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मोबाइल में 1500 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नंबर सेव होते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 5000 लोग होते हैं, लेकिन यदि वो किसी से बात करना चाहें तो वैसे लोग उन्हें नहीं मिल पाते हैं, उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जिससे कि वो बात कर पाए। अकेलापन आपके जीवन को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना कि शराब और सिगरेट पहुंचाती है। जैसे कुछ यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में अकेलापन को एक तरह का महामारी कहा जाता है। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने अकेलापन की निरंतर भावनाओं का अनुभव किया है तो इसका आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वजन बढ़ना, नींद की कमी, खराब हृदय स्वास्थ्य और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकता है। अकेलापन भी आपके शरीर को सामान्य रूप से अधिक तनाव में डाल सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अध्ययन कहते हैं, शोध कहते हैं। अनेक अध्ययन हुए हैं जिनमें पाया गया है कि सामाजिक अलगाव और अकेलापन मृत्यु दर की संभावना को 30% तक बढ़ा सकता है। हृदय रोग का 29% बड़ा जोखिम शामिल है। बुजुर्गों में स्ट्रोक का 32% और डिमेंशिया विकसित होने का 50% जोखिम होता है यदि अकेलापन आदमी फेस कर रहा है। तो कुछ शोध बताते हैं कि अकेलापन कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है, जिनमें अवसाद, चिंता, कम आत्मसम्मान, नींद की समस्या और तनाव में वृद्धि शामिल है। देखिए, मनुष्य जो है, हम और आप जो है, एक सामाजिक प्राणी है। हमें आदत पड़ी हुई है समाज में रहने की, और समाज में रहना हमारी ज़रूरत है और शक्ति भी। लेकिन इसके बावजूद अकेलापन होना कोई असामान्य बात नहीं है। आप दोस्तों के साथ लोगों से मेल जोल बढ़ाकर आसानी से इसे दूर कर सकते हैं। अब अकेलापन को दूर कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि इसके उपाय क्या हैं। वो उपाय हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप अकेलापन को दूर कैसे कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।